Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dhiral Gokulsahu Vlogs. Oh, so good morning to all of you. But अभी मेरे को फ़ोन आया, कह रही कि मानसी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और नहा लिया है मैंने रात को, करीब करीब हमें हो गए थे इट्स अबाउट 11 o'clock और 11:30 बिकॉज बारिश शुरू हो गई थी और फिर भूख लगी थी तो कहीं ब्रेक ले लेके सुबह छः बजे के निकले हम लोग, 11:30 बजे पहुँचे होटल। हुआ बेसिकली ये कल कि अभिजीत और मानसी जो है वो इतना थक गए थे राइड करके कि क्या बताएं। फिर हम लोग देहरादून, फिर उसमें गुम गए थे, मतलब बेसिकली जो मसूरी आने का रास्ता है वो देहरादून सिटी से मतलब होकर आता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो कहीं और चले गए। फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया मानसी का, फिर मेरा भी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो फिर वहाँ घूम गए थे बेसिकली वहाँ पर। तो बीच में कितने सारे ब्रेक लिए अभिजीत और मानसी की, थोड़े से क्या है कि उन्हें रेस्ट चाहिए थी क्योंकि वो इतना लंबा ट्रैवल नहीं करते हैं बेसिकली, और बाइक से तो बिल्कुल नहीं करते हैं। मेरे कहने पे बाइक से उन्होंने ट्रैवल किया है, मेरे कहने पे विदिशा भी मेरे कहने पर ही आई है। विदिशा से एक बार पूछ लिया कि वो चलेगी क्या, किसी को तो घूमने फिरने का शौक है मेरे तरह, एंड दैट्स गुड फॉर मी। भी घूमने का सोचा तो थोड़ा बारिश हो रही है बाहर, और बारिश रुक जाए तो ऑल गुड। दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का सिनेरियो। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और ये अभी जो यहाँ से दिख रहा है, बालकनी से जो दिख रहा है वो ये है, बाकी तो फिर घूमेंगे हम तब पता चलेगा। और मेरी गाड़ी खड़ी है वो, इफ यू कैन सी इट, तो जितनी जल्दी रेडी होते हैं चलते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि अभी जस्ट अ सेकेंड ना, क्योंकि अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ, और पहले वायर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी एंड नाउ इट्स बीइंग लाइक धूप, बढ़िया। बेसिकली यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी हो रहा है इट्स अबाउट 20°C, तो 20 का भी टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब सुबह सुबह एट द इन द मॉर्निंग 8:30 o'clock, तो इट्स गुड। अभी यहाँ से फिर निकलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और मैंने नहा तो लिया है, मेरे बाल सूख जाए हैं, बाल इतने टूट रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ड्राइव करके आए हैं और अब ड्राइव करने के बाद तो फिर पता ही है, बाल देखो, ओहो नहाते वक्त तो इतने बाल टूटे क्या बताऊँ। अभी हमें ऑलमोस्ट हो गया है 12, क्योंकि अभिजीत की गाड़ी पल्सर जो है वो नहीं हो रही है, मतलब कल रात में लगाई उसने, फिर देन सुबह से स्टार्ट ही नहीं हो रही है उसकी गाड़ी, चालू ही नहीं हो रही है। अब स्टार्ट नहीं हो रही तो भाई क्या ही होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी तो भाई है क्योंकि जाना वापस उसी से है, तो उसको खींचा कर उसको ऐसे धड़का के लेके गए, ठीक कराया तो वहीं गाड़ी खड़ी कर दी है। बट अब देखते हैं कि अभी हम जाते हैं, मैं अभी गाड़ी इसकी वहाँ है, मेरी गाड़ी यहाँ है, तो चलते हैं यहाँ से, जितनी जल्दी फ्री होते हैं उतनी जल्दी लोकेशन पे चलते हैं। तो होटल में से तो आ गए हैं बट भीड़ तो बराबर ही है, बाइक तक निकलने की जगह नहीं है भाई, तो कंजस्टेड बहुत है। मतलब एक चीज़ और बताऊँगा जो थोड़ी बियर्ड है और बहुत गंदी चीज़ है, वो मैं बताऊँगा अभी, थोड़ा यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर मैं बताता हूँ वो। तो अब हम मतलब कल का ब्लॉग देख लिया होगा, ओके, तो ये देखो ये यो 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 कर रहे हैं कल से, मतलब एक्साइटेड इतनी है, वो दोनों इतने एक्साइटेड है क्या ही बताओ। हाँ माना कल लग गई थी बिल्कुल अच्छी तरीके से, बट दे आर एक्साइटेड राइट नाउ।
तो पूरा ब्लॉग तो देख लिया होगा, कहाँ फंसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अभी नहा कर आ गया था और मेरी विंडो से जो व्यू है वो भी देख लिया होगा। अब उसके बाद का क्या सीन है वो अभी हम जा रहे हैं, एक लोकेशन है यहाँ से, ये भी ज़रूरी है पहले ये दिखाना। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं, एक लोकेशन है यहाँ से दलाई हिल्स करके है। तो दलाई हिल्स यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर है, मतलब जिस लोकेशन पे हम रुके हैं तो वहाँ लोकेशन से 6-7 किलोमीटर है। तो भीड़ इतनी है कि क्या ही होता है। और वन मोर थिंग जो मैं आपको बोलने वाला था कि मैं आपसे वो शेयर करूँगा जो मुझे बहुत गंदी लगी है यहाँ की कार वाले सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनकी वजह से ट्रैफिक लगता है। हाँ, तो सबसे गंदी मुझे चीज़ है ये देखो, मैं शिमला, मनाली और दार्जिलिंग, ऊटी, कुन्नूर, अब यहाँ पर आया हूँ मसूरी, और भी जगह जा चुका हूँ। तो बेसिकली सब जगह मॉल रोड ही होता है, सब जगह मॉल रोड है, यहाँ पर भी मॉल रोड है, बट यहाँ पर मॉल रोड में एंट्री करने के फी है, एंट्री फी है यहाँ पर मॉल रोड पे, और वो भी कितने, 100 रुपीज़। चलो हमने 100 रुपीज़ भी दे दिए, वो भी कोई बात नहीं, बट व्हाट द फक इज दिस कि आप जितनी बार एंट्री लोगे उतनी बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस इज लाइक बहुत बेकार है ये, मेरे को नहीं, यही सीधे चलना है, सीधे ही है। अरे आगे तो ऐसे बोल रहे थे मेरे में नेट चलेगा, नेट तो मेरे में भी नहीं चल रहा है। तो मैं तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ है कि आपको जितनी बार आप एंट्री लोगे उतनी बार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, 100 रुपीज़ उतनी बार देनी पड़ेगी, मतलब एक गाड़ी के, गाड़ी के पैदल नहीं, गाड़ी के भैया। अरे इनको तो खुद ही नहीं पता होगा, जो यहाँ का लोकल गाइड होगा उनको बताओ कि भाई दराए कितना दूर है और यही सही रोड है या नहीं। भैया दलाई हिल्स नीचे, दलाई हिल्स ऊपर है, वो दूसरा रास्ता जाता है जो, हाँ जी, जो जहाँ से 0 पॉइंट है ना, हाँ उससे आपको सीधा स्ट्रेट जाना था, आप इधर डाउन आ गए। अच्छा गलत आ गए, ओके ओके तो गलत आ गए, वापस से मुड़ते हैं। ओके तो गलत आ गए थे, सही टाइम पे हमने पूछ लिया, वरना जो यहाँ पे 100 मीटर भी होता है ना वो 1 किलोमीटर बराबर लगता है हिल स्टेशन में। हाँ तो ये सीन है, मतलब जितनी बार आप गाड़ी ले, क्योंकि मॉल रोड के अंदर ही होटल हैं जितने, मतलब पूरा जो बसा हुआ है ना मेन मार्केट, और जो भी हर चीज़ जो भी कुछ भी मिलेगी तो वो है ये, देखते हैं। आगे, हाँ तो यही बता रहा था मैं, ये चीज़ मेरे को सबसे चीज़ बेकार, क्योंकि अगर सब चीज़ है अंदर तो आपको वो फ्री रखनी चाहिए। अब कार वालों से भी वही प्राइस ले रहे हैं, वो 100 रुपये एक गाड़ी के, और बाइक वालों से भी ले रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, ले रहे हैं ठीक है, तो वो उसको मैनेज कर रहे हैं, उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, वो ले रहे हैं कोई बात नहीं, बट हर बार ले रहे हैं दिस इज़ नॉट फेयर। सो मेरी अपील है मसूरी जो टूरिज्म है और गवर्नमेंट है, तो ये जो रूल है प्लीज़ अगर आप उसको ठीक करें तो बेटर होगा, वरना ये मतलब ये चीज़ बहुत बेकार है, मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, बाकी तो फिर किसी ने को सोच रखा होगा तो ठीक है, वापस जाना पड़ रहा है यार, हद है। 0 पॉइंट से वो कह रहे हैं 0 पॉइंट से आपको ऊपर जाना था। चलो अभी थोड़ा और, अच्छी लग रही है ये K2P के देख।
ये भी है यहाँ, ये शायद यही दलाई है। अच्छा यही दलाई, यही दलाई है, दलाई से ये दिखता है। ओके बढ़िया, एक दो तीन, इसने खाया इसने नहीं खाया। जी देखो मैं तो वहीं भुक्कड़, मैं तो वहीं भुक्कड़। अभी एक गया था फिर दूसरा गया, अभी तीसरा आ रहा है। ये 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 वंस मोर, तीसरा आ तो चुके हैं यहाँ पर, ऊपर चढ़ना है। कितना ऊपर है चलते हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, गाड़ी नीचे लगाई है, बस 100 मीटर होगा तो 200 मीटर, वो तो थोड़ी हाइट है इसीलिए। लेकिन एक टाइम तो घूमने घूमने के लिए है, रहने के लिए तो मुश्किल है। अच्छा अभी और है ऊपर, नहीं नहीं मुझे लगा था 100 मीटर है, 500 मीटर के ऊपर है वगैरह। 10 मिनट में पहुँचोगे मतलब। अरे उसने तो गाने बजा दिए, उसने गाने बजा दिए, देखो दौड़ के चलेगी, जोस आ गया उसे। वो मैंने और अभिजीत ने अभी सोचा कि दौड़ के चलेंगे, तब हमारी ये हालत है यार। कितना सही लग रहा है, लद्दाख तो और प्यारा लगेगा। वो भाई साहब रील्स बनाने लायक है, और अगर रील्स देखना चाहते हो सो फॉलो मी ऑन इंस्टा। हाँ बजा लो बजा लो, सही है सही सही, हेलीपैड। फोन में जो वो चीज़ नहीं दिखती जो आंखों से दिखती है, बढ़िया। अभी जी तो हटो, क्लाउड एंड भी अच्छा होगा, बस वहाँ क्लाउड होना चाहिए, बढ़िया। अच्छा लोग वहाँ ट्रैकिंग करते भी जा रहे हैं, देख रहा है जो देख रहा है तू तो। नहीं नहीं हाँ जा सकते हैं, जाने की जगह है, बढ़िया भाई। चलो चले लड़ाई दिखाने की हिम्मत नहीं थी, वैसे भी मेरे और अभिजीत के बीच में रेस हुई थी जिसमें मैं जीती, मैं पहले आई थी। रेस हुई थी, रेस लोगों को लगता है मेरे से जीत नहीं पाएंगे इसलिए रेस नहीं लगाए। हाँ मैं बैग लेके चढ़ी हूँ, कोई नहीं एक और भाई चलो जल्दी जल्दी, और भी जगह जाना है बाबा, कैंपटी फॉल चलना है। नहीं यार कपड़े चाहिए उसके लिए। अरे यार तो इसी डायरेक्शन में पड़ता, फिर कल फिर आएंगी क्या? क्या ठीक है चलो गीले हो जाएंगे तो सूख जाएंगे। ये बंदा दो दो बार चढ़ा है, सच में चढ़ा है। हाँ भाई हमें नहीं पता था ना, नहीं कैमरे लगा रखे, वीडियो कैसा लगा दो बार चढ़ के?
दिखने लगा। ये मेहंदी का पत्ता है क्या? दो किलो वेट कम हो गया यार, काश हमारा हो गया होता। डॉक्टर साहब पास हो जाता। तुम चार बार चढ़ो, तुम इंटू कर लो, चार बार चढ़ो दिन एक दिन बस हो गया, ज्यादा नहीं बोल। उदयपुर में पास में था माता जी मंदिर में, वहां चढ़े। वेट होना इज नॉट लाइक बैड, बट उससे जो चीजें रुकती है ना, वो सारी चीजें बेकार लगती हैं। अब मैं बंद कर दूं क्या? हां हां।